This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus. वीडियो हम गोल्ड का एनालाइज करेंगे. इस बिग गोल्ड मतलब सेल डायरेक्शन हम देखेंगे या बाय डायरेक्शन, तो उसी का हम एनालाइज करेंगे. छोटा सा वीडियो होगा और प्रीवियस वीक का जैसे मैंने एनालाइज किया था आप लोग देखोगे, ये लेवल मैंने कहा था. चलिए हम रियल उसमें चले जाते हैं, तो उसका प्रीवियस में हुआ क्या. अब यहाँ प्रीवियस में आ गया. अब यहाँ पे मैंने जो लेवल डाला किया था, देखा जाए मार्केट इसी के रेंज में इजीली, अगर जिन लोगों ने एग्जांपल अगर सेल मैंने बोला था सेल जाएगा, तो सेल के लिए ही लिए मैंने प्लानिंग की थी और बताया था लेवल अगर वो किया. अगर देखा जाए इजीली अगर कई बार मल्टीपल 240 पिप का ड्रॉप भी हुआ, जिन लोगों ने सेल में अगर बनाए होंगे तो अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, प्रॉफिट किया होगा. जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा ऊपर स्टॉप का, तो ये था प्रीवियस वीक का ये तो था रिजल्ट. और उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करके, और हमने बताया था अगर ब्रेक करेगा ऊपर रिटेस्ट करके फिर हम बाय देखेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा खास ब्रेक नहीं किया. इस हिसाब से रेंजिंग मार्केट चलती रही. शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने प्रॉफिट होंगे 240 के पिप के आसपास प्रॉफिट हुआ होगा. और ये देख सकते हो मैंने भी सेल ही लिया था. अगर मैं लास्ट वीक दिखाऊं, ये हमारा लास्ट वीक इजीली सारे ट्रेड मैंने सेल ही लिए थे. तो ये कोई मतलब ये नहीं कि डेमो वगैरह है, रियल ही अकाउंट है. तो ये तो हो गया प्रीवियस वीक. ऐसा नहीं मैं जो एनालाइज करता हूँ मैं उसको खुद पे अप्लाई करता हूँ. अब ये नहीं कि मेरा देख के आप रियल पे लगो, बट एनालाइज है, रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस अपने तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ. और बता दूँ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया VIP फ्री सिग्नल के लिए, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्री में है. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसलिए उसको ज्वाइन कर लो. तो चलिए अब क्या हम एनालाइज करेंगे इस वीक. आज की डेट है भाई 29 जनवरी संडे का दिन है, लगभग जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 बज रहा है सुबह का. तो अभी आज का दिन भाई एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है. अब यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे हम चार्ट में आ गए. हम जो है मोबाइल ही ज़्यादा यूज करता हूँ फ्रेंड, इसलिए मोबाइल ही बेस्ट पड़ता है मेरे को. तो लैपटॉप है बट लैपटॉप को नहीं यूज़ नहीं करना. तो अभी क्या है, सिंपल सा मैं रियल मार्केट पे आ गया. यहाँ पे इसलिए देख सकते हैं, अगर हिसाब से देखा जाए जो अभी तक मतलब मार्केट चल रही है, पहले तो ये सब सारे मैं लेवल डिलीट कर दे रहा हूँ एकदम आपके सामने को करूँ. अभी तक अगर मार्केट देखोगे एक हायर हाई हायर हाई हायर हाई, यानी एक हायर हाई ही बनाते जा रहा है. देखा जाए मार्केट अब ट्रेंड में, यानी बुलिश, यानी जैसे कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप पैसा अच्छा बनाओगे. तो लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ये फिर देखा जाए ये प्रीवियस लो को थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है. जो मेरा मतलब प्राइस प्रिडिक्शन है उसका ज़्यादा मैं सेलिंग ही अभी सोचूंगा, समझ रहे हो फ्रेंड. अब एक लेवल यहाँ पे एक मैं वो कर ले रहा हूँ नाम, और सबसे हाई ये है 1948 का, एक ये कर दिया और एक आठ और कर दूँगा. और एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ, एक सपोर्ट या डिमांड जोन सप्लाई जोन जो भी समझो. तो एक यहाँ पे ये दो मैंने लेबल निकाल दिए 1916 का और 1948 का, और एक और यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एक ये भी बिक ले लूँगा, एक ही हो गया. और एक लेबल और ड्रा कर ले रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पे, ये भी एक अच्छा लेबल है. तो अभी ये चीज़ें हो गई. तो अब यहाँ पे अब हम क्या मतलब प्लान कर रहे हैं. तो देखो पहले तो मार्केट, अगर भाई मार्केट क्या हुआ, पहले तो नॉर्मली मैं यहाँ पे जो सोचा हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं सेल ही लूँगा, बाई नहीं लूँगा. लेकिन हाँ कोई एविडेंस जब होगा, अब जैसे कि एक मैं यहाँ पे छोटा सा और जॉन टाइप का मैं सर्च कर दूँ, यहाँ पे एक ही हो गया और यहाँ पे देखो छोटा सा, अगर देखा जाए छोटा सा यहाँ पे देखा जाए हेड एंड शोल्डर टाइप का ये बन रहा है. तो यहाँ पे मैं जो लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन, सेल के लिए मैं सोचूंगा स्टॉप लॉस. लेकिन सेल के लिए तभी सोचूंगा जब एक अच्छा मतलब कोई एविडेंस हमें सेल मतलब शॉर्ट का मिले, समझ रहे हो फ्रेंड. ऐसे तो सेल के लिए सोचूंगा. और दूसरी बात, यहाँ से अगर ये लेवल ऐसे ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट करे तो एक बार यहाँ सेलिंग अगर कोई भी एविडेंस दिखता है तो हम सेल के लिए और सोचेंगे. फिर इसको तोड़ के फिर नीचे देखा फिर हम क्या सेल के लिए सोचेंगे. एक बात फ्रेंड हमेशा याद रखना, कभी भी बिना प्लानिंग के ट्रेड ना करो. रिटेस्ट करे तो आप सेल लो, अदरवाइज नहीं करा जाने दो. मार्केट है हमेशा रहेगी, लेकिन मार्केट में आपको टिके रहना है, आपको आउट नहीं होना. अगर आप टिके रहोगे तो पैसा बनाओगे. और अगर मुझे बाई करना, मैं बाई के लिए कब सोचूंगा कि इस काल में आप छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हो. अब बाई के लिए ना नॉर्मल सा भाई ऐसे करके रिटेस्ट करे ऊपर जाए फिर ये तोड़े फिर ऐसे ऊपर जाए ये लेबल, तो हम बाई के लिए सोचेंगे. जैसे कि अभी तो फिल्हाल हम क्या है सेलिंग के ही लिए सोचेंगे. बल्कि जहाँ पे यहाँ से भी मैं एक रिस्की ट्रेड सेल कर लूँगा अगर 30 PPSL के साथ मेरा बनेगा तो यहाँ पे कई लेबल उसी जहाँ से TP एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो.
फ्रेंड काफ़ी मैंने लेवल कर लिया, तो इसी हिसाब से टीपी वगैरह सोच सकते हैं। तो यहाँ यार रिटेस्ट लिया, यहाँ ये टीपी फिर ऐसा, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लस है, जरूरी नहीं कि इतना जा सके, पर मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज है तो फॉरेक्स एक्टिव देख सकते हो, तो इसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे फ्रेंड, समझ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देना हमेशा अपना स्टॉप लॉस 30 पिप का लगा के करें, जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस 30 से 40 पिप से बड़ा मत करें, और टीपी जो है 60 पिप 100 पिप ऐसे लगें, कम से कम रिस्क रिवार्ड आपको 1.2 या 1.34 ऐसे होना चाहिए, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होंगे। और ज़्यादा ट्रेड मत करें, एक ट्रेड या दो ट्रेड बस। तो मेरा जो था मैंने बता दिया आपको मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये ऊपर ऊपर जाके इस पर ऐसे रिटेल कर ऊपर जाए तब तो बुलिश के लिए भी सोच सकते हैं, बाकी छोटे टाइम फ्रेम में आप भाई स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कॉमन बात है 30 मिनट का खोल के भाई यहाँ 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 मारो भाई, यहाँ सेल ऐसे ऐसे करके कर से, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, गैम्बलिंग हो जाता है। ये नॉर्मल आप एक से दो ही ट्रेड के बारे में सोचें, मेरा यही एनालाइज था। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।